अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही कमाल का फेस वॉश जो कि होममेड होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये फेस वॉश जो है आपकी स्किन से एक्नी के निशान को दूर करेगा, एक्नी रिमूव करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी फाइन लाइंस वगैरह को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन को वाइट अप करेगा। ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ जो है इसी फेस वॉश के अंदर होगी, जो कि आपकी किचन की चीज़ों के साथ फेस वॉश जो है वो रेडी किया जाएगा और सिर्फ एक सेकेंड में जो फेस वॉश जो है आपका रेडी हो जाएगा। तो मत स्किप कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा। ये आपके फ़ायदे के लिए है, वो बहनें जो चाहती हैं कि हमें पैसे भी खर्च ना करने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो चाहती हैं कि घर बैठकर हम बहुत ही अच्छे से स्किन जो है अपनी हासिल करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है जो महंगे महंगे फेस वॉश जो है अफोर्ड कर रही हैं और कहती हैं कि जी इसका कोई नेमल बदल नहीं है। ठीक है, तो ये फेस वॉश जो है, ये वीडियो जो है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने ही देखनी है। ठीक है, तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जो है हमारी इस टॉपिक पर है कि हमने फेस वॉश बनाना है। फेस वॉश जो बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारे पास बेसन। बेसन जो है हमारी स्किन के लिए इतना कमाल है, बहुत ही कमाल की चीज़ है हमारी स्किन के लिए। बेसन हमारी ऑल टाइप स्किन के लिए ज़बरदस्त है, यानी कि कोई ऐसी स्किन नहीं है जिस पे ये कहें कि ये बेसन जो है सूट नहीं करता। ये हर स्किन के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है और ये क्लिंजर भी है और ये फेस वॉश भी है और आप इसको डेली बेस पे दिन में 10 बार भी यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि फेस वॉश जो है दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना, अगर इसको आप प्रॉपर भी यूज़ करना शुरू कर दें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इसको रेडी किस तरीके से करना है, ये जो है बेसन जो हर किचन में मौजूद होता है, हर घर में। अगर नहीं भी मौजूद होता तो 10-15 रुपये का बेसन भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाए, जो कि आपका तकरीबन 10 से 15 दिन तक आराम से चल भी जाएगा। ठीक है, तो इतना सा आपने ले लेना है बेसन। और बेसन के साथ हमें चाहिए रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है, वाइटनिंग ग्लोइंग स्किन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये रेमेडी जो है आप लोगों के लिए है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, आपने 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच आपने लेनी है बेसन का और उसमें आपने थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे आपने उठाना है बेसन और उसके अंदर थोड़ा सा रॉ मिल्क जो है वो आपने ऐड कर देना। ठीक है, इतना सा रॉ मिल्क ऐड करना है, इसको मिक्सअप कीजिएगा इस तरीके से और इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करना। इसकी एप्लीकेशन करते वक्त आपने जो है बिल्कुल हल्का हाथ रखना है, जैसे आप फेस वॉश जो यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फेस पर, हैंड पर, फीट पर, इवन कि अपनी पूरी बॉडी पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट इसका मसाज, जैसे कि आप रूटीन में फेस वॉश यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने फेस वॉश की तरह इसको लगाना है। आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड, ओपन पोर्स, हर चीज़ का ये एक ही हल। 7 डेज इसको आप यूज़ करके देखें कितना कमाल का आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ठीक है, इसको इस तरीके से यूज़ करना है, उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर के साथ इसको वॉश कर देना है। रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि एक बार के यूज़ से ही आपको जो है रिज़ल्ट, इसका कमाल का रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए, मैं अभी सिर्फ ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा कर रही हूँ तो आपके सामने है कि रिज़ल्ट जो है आना शुरू हो गया है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इसी के साथ करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।